पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा फास्ट बॉलर्स की वजह से जाना और माना जाता है और पाकिस्तान सुपर लीग भी इस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो फास्ट बॉलर्स आपको पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए मिलेंगे वो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं। आज हम आपको उन 10 फास्ट बॉलर्स के बारे में बताएंगे जो कि PSL 7 में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा इन फास्ट बॉलर्स को आसानी से खेलना। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में शामिल यंग एंड टैलेंट फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम है जो कि अपने तेज बॉलिंग, यॉर्कर्स और बाउंसर्स के लिए मशहूर है। मोहम्मद वसीम जूनियर ने PSL 6 में इस्लामाबाद की जानिब से खेलते हुए 11 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की थी और हाल ही में मोहम्मद वसीम जूनियर ने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया था और वेस्टइंडीज टीम के बैट्समैनों को नाको चने चबवाए थे। अगर हम 9 नंबर पर बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो वो है इमरान खान सीनियर। इमरान खान सीनियर काफी तजुर्बाकार फास्ट बॉलर है और PSL 6 में भी मुल्तान सुल्तान को जीत दिलाने में इमरान खान सीनियर ने अहम किरदार अदा किया था और PSL 6 में इमरान खान सीनियर ने मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए 7 मैचेस में 12 खिलाड़ियों को आउट किया था और PSL 7 में भी इमरान खान सीनियर बैट्समैनों पर कहर डालने के लिए तैयार है। अगर हम 8वें बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों पर कहर बनकर उतर सकते हैं वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 55 खिलाड़ियों को आउट किया है और इस सीजन में भी फहीम अशरफ काफी फॉर्म में है। अगर हम 7वें बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो वो है कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर अपने इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और मोहम्मद आमिर ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 54 विकेटें हासिल की है। अगर हम 6वें फास्ट बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों की लंका डा सकते हैं तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर हसन अली। हसन अली ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 55 मैचेस खेले हैं और इन 55 मैचेस में हसन अली ने 72 विकेटें हासिल की है और इस मरतबा भी फास्ट बॉलर हसन अली काफी फॉर्म में है और PSL 7 में हसन अली बैट्समैनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम 5वें फास्ट बॉलर की बात करें जिसको खेलना PSL 7 में बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होगा तो वो है फास्ट बॉलर वहाब रियाज। वहाब रियाज ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 94 विकेटें हासिल की है और पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड वहाब रियाज के नाम है। अगर हम 4वें फास्ट बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं तो वो है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में टूटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से खेलते हुए 36 खिलाड़ियों को आउट किया है और हाल ही में काफी अच्छी फॉर्म में है और बिग बैश में बैट्समैनों को काफी मुश्किल पेश आ रही है मोहम्मद हसनैन की तेज गेंदों को खेलना। तो PSL 7 में मोहम्मद हसनैन बैट्समैनों पर कहर बनकर उतरेंगे। अगर हम 3रे फास्ट बॉलर की बात करें जो कि PSL 7 में बैट्समैनों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं तो वो है लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक 31 विकेटें हासिल की है। हाल ही में हारिस रऊफ ने बिग बैश में काफी अच्छी बॉलिंग की है जिसकी वजह से PSL 7 में हारिस रऊफ को खेलना बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान के यंग फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी का नाम आता है जो कि PSL 7 में बैट्समैनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। शाहनवाज दहानी ने PSL 6 में 11 मैचेस खेले थे और इन 11 मैचेस में शाहनवाज दहानी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया था और शाहनवाज दहानी के यॉर्कर्स और बाउंसर्स बैट्समैनों को समझ में नहीं आ रहे थे और इस मरतबा भी शाहनवाज दहानी काफी अच्छी फॉर्म में है तो लिहाजा PSL 7 में शाहनवाज दहानी को खेलना बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होगा। अगर हम नंबर 1 बॉलर की बात करें जिसको खेलना PSL 7 में किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा तो वो है लाहौर कलंदर्स के कप्तान फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी। शाहीन शाफरीदी ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 50 खिलाड़ियों को आउट किया है और PSL 6 में भी शाहीन शाफरीदी टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में 3रे नंबर पर थे और PSL 6 में शाहीन शाफरीदी ने 16 विकेटें हासिल की थी। PSL 7 में भी शाहीन शाफरीदी बैट्समैनों के लिए काफी खतरनाक साबित होंगे और शाहीन शाफरीदी के तेज यॉर्कर्स और बाउंसर्स खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा। तो ये थे वो 10 बेहतरीन फास्ट बॉलर जिनको खेलना PSL 7 में किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा। क्रिकेट के अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।